अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसीं देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। एक बार फिर हाजिर हाँ आप की खिदमत दे विच अज दे पैगाम लैके। अज दे इस पैगाम दे विच आप जी दे नाल गल सांझी करांगा कि जो साडी जिंदगी है इस दे विच बहुत सारा समा ऐसा हुंदा है जिहड़ा असीं नहीं चाहुंदे कि ना आवे। वो किहड़ा समा हुंदा है कि बुरा समा। पर जो ये कायनात है, ये कुदरत है, जो साडी जिंदगी दे विच कोई बुरा समा आउण वाला हुंदा है तो ये बुरे समय तो पहला सानू संकेत दिंदी है। अगर असी उन्हां संकेतां नू समझ आईए, उन्हां इशारियां नू समझ आईए तो जिहड़ा साडे जिंदगी विच आउण वाला बुरा समा हुंदा है असी उस तों बच सकदे हाँ। जो साडे को आउण तों पहला सानू संकेत ने, उन्हां दा इशारा कुदरत दा असी समझिए तो जिहड़ा बुरा समा जो साडे लई कई वारी बहुत वड्डे नुकसान दा कारण बणदा, इह साडे लई कुझ कु नुकसान जिहड़ा साडा हुंदा बाकी साडा बचाव हो जांदा। तो ये बुरे संकेत आउण तों पहला सानू कुछ संकेत मिलते हैं साडे घर दे विच्चों ही। वो कि संकेत ने सानू कदों कदों मिलते हैं, कीड़ी कीड़ी चीज़ के राही सानू संकेत दिता जाता कुदरत दे वलों, अज दे इस पैगाम दे विच आप जी दे नाल वो सारे संकेत सांझे करने ने। तो मैं आस करना कि आप जी नू अज दे इस पैगाम दे विच बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अज दे साडा वीडियो पूरा जरूर सुनना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना जी। आओ अज दा ये पैगाम शुरू करिए उस खुदा के नाम से जो हर एक मेहरबान और निगेबान है। तो सब तो पहला संकेत यह मिलता है कि जिमें आप जानते हैं कि साडे घर दे विच बहुत सारे आप कई बार बूटे लाए होंगे ने, कुछ फुलों वाले बूटे लाए होंगे ने, बहुत सारे घर दे विच तुलसी का बूटा लगा होंदा है जां कुछ होर बूटे लगे होंगे ने। जी उन्हां बूटियां नूं अचानक आप उन्होंने देखिए कि जो लगे ने साडे घर दे विच बूटे वो अचानक सुकन लग पैण। एक हुंदा कि असीं उन्हां नूं लंबा समा केयर नहीं कीती वो तां सुकदा है, पर साडी केयर करन दे बाद भी साडे रोज़ पानी पाउण तों बाद भी जां असीं जो भी उन्हां नूं खाद है उस ते पाउण तों बाद भी जे कोई बूटा अचानक खराब होण लग पवे, अचानक सुकण लग पवे, तो वह भी एक कुदरत वल्लों सानूं संकेत हुंदा कि साडे ते किते ना किते कोई माड़ा समा आउण वाला है। तो जे इदां दा कुछ हो रहा है तो अपने आप नूं जरूर गौर करो कि कित्थे गलती हो रही है तो क्यों इदां हो रहा है। दूजे नंबर ते अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे घरां दे विच जोत की जाती है, बहुत सारे घरां दे विच चिराग रोशन किया जाता, उहदे विच भी एक सानूं कुछ संकेत दिंदी है क्योंकि जिहड़ा चिराग है जां जिहड़ी जोत है इह किते ना किते इक प्रतीक है मालक दे वल्लों आपां नूं दित्ता कि जिस तरह दी जोत असीं बाहर जगा रहे हां इस तरह की एक जोत साढ़े मन के अंदर जगती है तो असी उसनों देखना होंदा है तो असी उसनों पाना होंदा है। तो ये मालिक सानू जोत राही संकेत दिंदा। तो जदों असी अपने घर के चिराग रोशन करते हैं या जोत जगाते हैं, अगर साढ़े जोत जगाते समय वो जोत जिहड़ी है वो बार बार बुझण लग पवे, असी रोशन करते हैं एक अद्धी बारी तो चलो हो सकता, जे असी फिर रोशन किया वो चिराग या वो जोत पूरा जिहड़ी है नहीं चली, उस विच तेल भी है या घी भी है, वो फिर बुझ गई, असी फिर रोशन कर दिंदे हाँ, कुछ समय बाद फिर असी देखते हैं तो वह फिर बुझ जाती है। ये भी कितना कितने सानू एक कुदरत वालों एक साडे मालिक वालों संकेत हुंदा कि कितना ना कितने जिहड़ा साडा आने वाला समा है वह खराब होने वाला है, उस कोई ना कोई नुक्स कोई ना कोई साडा सानू मुसीबत जिहड़ी सामना करना पै सकता। फिर अगे एक गल होर हुंदी है कि आप देखते हैं कि पुराने समयां तों घर दे विच जे कोई बिल्ली रोवे तो उहनूं अशुभ मन्निया जांदा है कि यह चंगा संकेत नहीं है। अगर साडे घर दे विच इस तरह हो रहा है कि कोई बिल्ली आ के साडे घर दे विच रो रही है, अगर तो असीं उसनूं उत्थों उहनूं मारदे हां वह डर के नट जाती है, फिर उस तों बाद साडे वापस आ के फिर रो रही है, जां वह कुछ दिनों बाद यह क्रिया वार बार हो रही है तो वह भी उह साडे मालक वल्लों सानूं इक संकेत हुंदा है कि किते ना किते कोई ना कोई खराबी वाला समां जिहड़ा है आउणा हुंदा है उहदे करके भी साडे नाल इदां हो रहा है। एक जिहड़ा होर बहुत वड्डा संकेत है वो की है कि जिवें साडे घर दे विच कोई सोने की वस्तु है, कोई सोने की चीज़ है, अगर वह अचानक गुम हो जाए वो सानू लभण तो बाद ना मिले, सानू इस चीज़ का नहीं पता कि वह घर दे विच गुम हुई है जां सातों किते बाहर डिग पई है,
अगर ये क्रिया साढ़े नाल हुई है, क्योंकि आप क्योंकि देखते हैं कि जो सोना है वह बहुत कीमती चीज़ है, ये लोगों द्वारा मनिया जाता, तो उन्होंने आप बड़े गौर के नाल बड़ी सामभ के रखते हैं। जे साढ़े सामने तो बाद भी कोई रखी हुई चीज़ सूँ ना मिले, जो वो कित पाई हुई चीज़ कित डिग पवे घर के बहर, तो वो सू होंगे है कि जिंदगी एक बहुत व्डा नुकसान होने वाला होंगे है साढ़ा पैसे का। तो क्योंकि ये वस्तु शास्त्र के हिसाब के नाल भी दसया जाता कि जो सू कि पैसे का नुकसान होना होंगे है, जी साड़ी कीमती चीज़ है वह गवाचती है। तो आप अज के इस समय में जो आप गौर करके देखिए तो पैसे नालों भी कीमती चीज़ आप समझते हैं सोना। तो वह सोना जे सा कोई इदा चीज़ कोई गवाचती है तो यह भी सू सा जोड़ा है नुकसान होने का संकेत मिलता है। हूँ आप अज के इस पैगाम के देखिया कि जे साडे घर दे विच कोई जिहड़ा कोई फुल वाला बूटा जां कोई तुलसी का बूटा कोई भी है वह अचानक सुकण लग पवे साडी गौर करन तों बाद भी, तो वह भी सानू कितना कितने कोई माड़ा संकेत दिंदा है आने वाले समय का। अगर साडे घर दे विच बार बार बिल्ली रो रही है वह भी साडे लई कोई माड़ा संकेत है। अगर सानू कोई सोने की साडी चीज़ है वह गवाच रही है नहीं मिल रही, उहदे विच भी साडा एक संकेत है कि आने वाला समा जिहड़ा है वह साडे लई माड़ा है। तो एक साढ़े लिए यह है कि जे साडा घर का किया हुआ चिराग या जोत जो अं रोशन करते हाँ वो सानू जी है बार बार बुझ रही है, वह भी साढ़े लिए एक माड़ा संकेत है। हूँ ये माड़े संकेत सानू मिलते हैं क्योंकि कुदरत सानू एक इशारा दिंदी है इन चीज़ों तो बचन का कि आने वाला समा किदां दा आ रहा है। जो पुराने समय के विद्वान होया करते सी जां ज रब के प्यारे जिहड़ियां रबी रूहां सी उन्होंने मालिक खाब दे विच आ के एक इशारा दिंदा हुंदा सी कि आउण वाला समां किदां दा आ रहा है जां तुहाडे नाल किहड़ी घटना होण वाली है, चंगी होणी माड़ी होणी वो बाद दी गल, जो भी होना सी वह कुछ दिन पहला जां कुछ समा पहला वह रब वालों मालिक वालों अपने इन्हां भगतां नूं अपने उन्हां रबी रूहां नूं इशारा दे दित्ता जांदा सी। पर हुण असीं वो चीज़ नूं नहीं समझते, आप कहते हैं कि यह पढ़िया लिखा समाज हो गया वो चीज़ नूं नहीं समझता, पर अज के इस दौर दे विच भी कुदरत वालों सानू ये इशारा दिता जाता है। आप चाहे मनीए चाहे ना मनीए, क्योंकि कई बार इदा हुंदा कि जदों वो घटना हो जाती है तो फिर आप बाद विच ख्याल करते हैं कि ये चीज़ तो पहला मैं देख चुका सी, मेरे खाब दे विच इदा होया सी। बहुत सारे इदा अपना एक केस हुंदे ने। तो ये जिहड़ी अज आप गल सांझी अपना की है कुछ इशारे ते इन्हां दे नाल आउण वाले समय की जिहड़ी आ सानूं पछाण हुंदी है परख हुंदी है। तो मैं आस करदा कि आप जी नूं अज दे इस पैगाम दे विचों कुछ ना कुछ सीखण जरूर मिलिया होवेगा। अज लई इन्ना ही, जल्द हाजिर होवांगा नवें वीडियो नाल। तद तक लई हक मुरशद सच मुरशद।